हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। खबर है कि बीसीसीआई ने 30 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया गया है, जबकि युजवेंद्र चहल को टीम में जगह नहीं मिली है। इस महीने भारत के लिए डेब्यू करने वाले तिलक वर्मा को भी 17 सदस्यीय टीम में चुना गया है। बता दें कि संजू सैमसन को बैकअप के तौर पर चुना गया है। बिहार सरकार ने पटना के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम फिर बदलकर किया कोकोनट पार्क। खबर है कि बिहार सरकार ने पटना स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया है। वर्ष 2018 में पार्क का नाम कोकोनट पार्क से बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि वाजपेयी जी के लिए झूठे सम्मान का दिखावा करने वाले नीतीश बाबू का पर्दाफाश हुआ है। चंद्रयान 3 से खींची गई चांद की फार साइड की तस्वीरें इसरो ने की शेयर। खबर है कि इसरो ने चंद्रयान 3 द्वारा खींची गई चांद के फार साइड यानी पृथ्वी से नजर नहीं आने वाले हिस्से की तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीरें चांद की कक्षा में मौजूद विक्रम लैंडर के लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने खींची है। बता दें कि यह कैमरा सुरक्षित लैंडर के लिए ऐसी जगह ढूंढने में मदद करेगा जहां पथरीला या ऊंचा नीचा इलाका न हो। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड करेगा। एमसीटी के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट, सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीटी के सभी कर्मचारियों को नियमित करने, उनके लिए स्थायी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के अपने वादे को पूरा किया। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। केजरीवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारियों के समर्थन से दिल्ली देश का सबसे स्वच्छ शहर बन जाएगा। भारत का विदेशी व्यापार 800 अरब डॉलर के पार पहुंचा। स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर हुआ 3 गुना। खबर है कि भारत का विदेश व्यापार 2023 की पहली छमाही में 800 अरब डॉलर को पार कर गया है, जिसका श्रेय सेवा क्षेत्र की प्रभावशाली वृद्धि को जाता है। निर्यात 1.5% बढ़कर 385.4 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि आयात 5.9% घटकर 415.5 बिलियन डॉलर हो गया है। विशेष रूप से स्मार्टफोन निर्यात 3 गुना बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच का दिया आदेश। खबर है कि उच्चतम न्यायालय ने नगर निगम भर्ती में गड़बड़ी मामले की सीबीआई से जांच कराने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। ये मामला जिसमें नगर पालिका की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं, शुरू में कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। केंद्रीय एजेंसियों को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई है। मुंबई में इंडिया की बैठक में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। खबर है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुंबई में इंडिया की बैठक में पार्टी की उपस्थिति की पुष्टि की है। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी बैठक में अपनी रणनीति का खुलासा करेगी, जहां 26 से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन भारत को मजबूत करना है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।